मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से तरोताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में सैलाबी मंजर के बीच आज बंद रहेंगे 17 स्कूल। लगातार बढ़ रहा यमुना का जल स्तर। दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इस बीच एमसीडी ने दिल्ली के 17 स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली के ये 17 स्कूल गुरुवार को बंद रहेंगे। एमसीडी ने देर रात को सिविल लाइन जोन के 10 स्कूल, सादरा साउथ जोन के 6 और सादरा नॉर्थ जोन के 1 स्कूल को बंद रखने का फैसला किया है। इन सभी स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। खतरे के निशान के कितने ऊपर यमुना नदी खतरे के निशान से 2.62 मीटर ऊपर बह रही है और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर एलजी सक्सेना और मुख्यमंत्री केजरीवाल स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। एलजी ने गुरुवार को बाढ़ की स्थिति पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की बैठक बुलाई है। यमुना में गिरने वाले नाले किए बंद। यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर से ऊपर पहुंचने के बाद इसमें गिरने वाले नालों के फाटक बंद कर दिए गए हैं। इस स्थिति में शहर का गंदा पानी इन नालों से नदी में नहीं गिर रहा है। यदि यमुना का जलस्तर कम नहीं हुआ तो दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ेगी। नदी का जलस्तर बढ़ने से इसका पानी नालों के माध्यम से शहर में पहुँच सकता है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहर में नदी का पानी नहीं पहुंचे, इसे ध्यान में रखकर सभी नालों के फाटक बंद कर दिए गए हैं। जलस्तर कम होते ही इन्हें खोल दिया जाएगा। वहीं से राजधानी में जलभराव की समस्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। शहर का सीवेज व वर्षा का पानी इन्हीं नालों के माध्यम से नदी में गिरता है। यदि फाटक बंद रहेंगे तो कई स्थानों पर सीवर लाइन के ओवरफ्लो होने की आशंका है। यदि इस बीच वर्षा हुई तो स्थिति और बिगड़ेगी। 15 व 16 जुलाई को तेज वर्षा होने का पूर्वानुमान है।